एवरीवन, वेलकम टू होली टेस्टफुल किचन। आज हम होली स्पेशल कांजीरे की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको काली गाजर नहीं मिल रही हैं तो आप दो मीडियम साइज की लाल गाजर धोकर अच्छे से छीलकर इस तरह से 3-3 इंच के पीसेस में कर लीजिए। साथ में एक मीडियम साइज की बीट रूट ले लीजिए, उसको भी धोकर छीलकर इस तरह से स्लाइस कर लीजिए, पीसेस कर लीजिए स्टिक्स के रूप में। 1 चम्मच हमने लिया है काला नमक, 1/2 चम्मच लिया है हमने सफेद नमक, ये हमने 2 पिंच हींग लिया है, और राई जो बारीक वाली आती है ना उसको हमने दरदरा पीस लिया है, वो 1.5 टेबलस्पून है, 1.5 टेबलस्पून इस तरह की ये राई होती है। बारीक दाने बिल्कुल एकदम, देखिए देख रहे हैं ना, एक मस्टर्ड सीड्स आते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं और एक ही बारीक कलर की होती है, तो हमें ये वाली राई लेनी है। और ऊपर से हमने लिया है, ये पानी उबाल लिया है, जिसको उबाल के हल्का सा हमने ठंडा कर लिया है, ये 1 लीटर पानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाजर को बाउल में डाल लिया है, अब ऊपर से हम इसमें ये राई डाल देंगे। राई ना खटास के लिए बहुत अच्छा होता है और इसी से हमारे उसमें खटास आती है कांजी में। ये हम नमक स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हींग है, इसको हम पूरा अच्छे से डाल देंगे इसमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है काले नमक का। और इसको ना हाथ से थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे, हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि वो राई का फ्लेवर ना अच्छे से इसमें आ जाएगा, देखिए। और ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, ये प्रीबायोटिक ड्रिंक है, ये देखिए डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो होली पर आप ये जब पकवान खाएंगे, कुछ कुछ खाएंगे, तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, पेट के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर से डाल देंगे अब हम इसमें पानी, ये देखिए बीट रूट से इसका कलर आना शुरू हो जाएगा, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये देखिए अभी इसका कलर आने लग गया है, देखिए। और इसको हम ना कपड़े से ढककर जहां पर भी खिड़की में धूप आती है 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे। यहां पर टेस्ट करके देख लीजिए, अगर नमक कम है तो आप और डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून राई और डाली है, क्योंकि पूरा 1 लीटर पानी डालने के बाद मुझे ये कम लग रहा था। ये देखिए कुछ इस तरह से ये मिक्सचर बन गया है। अब हम इसको ढककर रख देंगे और फिर मिलते हैं आपसे। दूसरी कांजी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच ये राई को दरदरा कूट लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी ली है, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा कम ली है, 2 पिंच हमने हींग लिया है, 2 पिंच काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच काला नमक लिया है, 2-3 पिंच के करीब मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, कुछ पुदीने के पत्ते गार्निश करने के लिए ले लिए हैं, उनको हाथ से तोड़ लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ये डालेंगे मसाले इस बाउल में। ये देखिए सारे मसाले डाल दिए हैं और 1 चम्मच पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको ना थोड़ा सा हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे हम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि अच्छे से ना पानी में ये डिजॉल्व हो जाएगा। और 1 लीटर पानी को हमने अलग से उबाल लिया है, हल्दी से ना कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा इसमें। तो अभी तो राई नीचे बैठी हुई है, धीरे धीरे जब हम इसको धूप में रखेंगे ना ढक के, तो ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगा। इसी में हम थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़कर डाल देते हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर वड़े बनाते हैं और आपसे मिलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैंने 1/2 कप उड़द दाल, 1/2 कप मूंग दाल 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया, और उसका पानी निथार के ना बिल्कुल कम पानी से उसको पीसा। और आप देखिए इसको हाथ से बहुत देर फेंटा मैंने, ये देखिए कम पानी निकाल के, कम पानी डाल के हाथ से बहुत अच्छे से फेंटा है। आप देख रहे हैं परात में दोनों हाथ से ऐसे 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 करके काफी देर फेंटा है। और अब हम इसके उतारते हैं वड़े। और ये मेरे दही बड़े की जो वो है रेसिपी, उसका लिंक मैं दे दूंगी, कितना दाल कैसे भिगोना है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। देखिए ये भल्ले की दाल है, तो हम हाथ गीला करेंगे, इसको ऐसे गोल लेंगे, और इस तरह से तेल ऑलरेडी गर्म है कढ़ाई में छोड़ देंगे। देखो ये हमारी पहचान है इसकी दाल की, कि ये बहुत अच्छे से फेंटी हुई है, ऊपर तैर रही है बिल्कुल। तो जिस भी साइज के आप बनाना चाहें
इस तरह से उसमें भल्ले डाल दें। इसी तरह से हम सारे भल्ले इसमें डाल देंगे। और मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि मैंने ये पानी में भी थोड़ा सा नमक डाल के गुनगुना पानी करके रख लिया है, जिसमें हम भल्ले डालने वाले हैं। और इसमें भी मैं आपको देखिए दाल कितने अच्छे से फिट गई है ये दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से दाल फिट गई, ऊपर तैर रहा है। तो उसी तरह से हमें ये सारे भल्ले बनाने हैं। जैसे ही हम डाल देंगे ना इसमें भल्ले, गैस का जो ऑयल है वो अच्छे से तेज रखेंगे, जो कढ़ाई में ऑयल है। जैसे ही भल्ले डाल देंगे गैस को सिम कर देंगे, क्योंकि हमें इन्हें अंदर से अच्छे से सेकना है। देखिए बिल्कुल तेल के पास जाके आप डालिए छींटे, ताकि आपके ऊपर ना लगे। बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। ये आप हाथ में पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद जैसे ही भल्ला लेंगे ना ऐसे, और इसको बस अंगूठे से ऐसे नीचे डालना है। ये देखिए तो बहुत अच्छे ये भल्ले बनने वाले हैं। यानी भल्ले भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, और इसको कांजी में भी, तो बड़े हैं हमारे ये, दही चटनी में भी हम बनाएंगे। तो होली पर आप ये जरूर बनाइए, 2-3 वैरायटी आपकी हो जाएंगी और आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए अच्छे से सिक गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे बड़ों को। ये देखिए कितने अच्छे से कलर भी बहुत परफेक्ट आया है, सिके भी हैं। तो हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए सीधे हमने ना प्लेट से फिर पानी में डाल दिए हैं। इनको पानी में हम अब भीगा रहने देंगे। बहुत बढ़िया है, देखिए आप, बहुत अच्छा इनमें स्पॉन्ज है। अभी तो हमने डाले ही हैं, आधा घंटा हम कम से कम इनको भीगने देंगे। देखिए कुछ हमने इस तरह की शेप में बना लिए हैं, जो पलटे से बनाते हैं ना, और इसमें भी हमने इसमें डाल दिए हैं। तो आप देखिए कितने वाइट ये हो गए हैं, और बहुत बहुत फ्लफी हैं एकदम। आप ऐसे निचोड़ेंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी थोड़ी देर हम ऐसे ही डाल के रखेंगे, और डायरेक्ट आप इनको पानी में डाल दीजिए, डिप हो जाएं अच्छे से। और इनको हम कुछ गोल कुछ ऐसे शेप के इनको सबको हम उतार लेते हैं। और ये देखिए कुछ अभी भीगने बाकी हैं और कुछ भीग गए हैं, तो हम जैसे इनको ऐसे निचोड़ लेंगे। बहुत बहुत सॉफ्ट हैं। और मैं यहाँ आपको तोड़ के दिखाऊं, ये देखिए कितनी जाली अंदर ये पड़ी है। ये देखिए कहीं भी गांठ नहीं है। केवल ये है टिप इसकी, ये है कि अगर आपने उसको अच्छे से फेंटा है ना, तो बिल्कुल आपके दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से कोई गांठ नहीं रहेगी। तो इनको हम आधा घंटा पड़े रहने देंगे और फिर उसके बाद निकालेंगे। और ये देखिए वाइट हो जाते हैं, हल्के से ब्राउन भी आप सेकेंगे तो पानी में डल के वाइट हो जाते हैं। ये देखिए आधा घंटा पानी में भीगे हुए हो गए हैं। कुछ हमने ये शेप बनाई थी जिसके हम दही भल्ले बनाएंगे, और कुछ गोल हैं जो हम कांजी वड़ा में यूज करेंगे। तो इसको हम अच्छे से ऐसे ना निचोड़ लेंगे, पानी अच्छे से इसका निचोड़ लेंगे ऐसे। और मैं यहाँ आपको तोड़ के दिखाऊं, पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जाली देखिए बहुत अच्छी है। तो आप इसी तरह से इस मेथड से बनाइए, बहुत अच्छे ये बनने वाले हैं। तो हम इनका पानी जो है ऐसे निकाल के इनको रख लेते हैं। बहुत स्पॉन्जी बने हैं। और एक मैं दही भल्ले की प्लेट लगा के दिखाती हूँ, और एक मैं कांजी बड़े में डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कांजी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर है। ये देखिए इसकी करते हैं प्लेटिंग, और मैं यहाँ बड़े भी दिखा रही हूँ आपको जो इसमें डालेंगे। और इसी तरह से हमारी ये वाली कांजी भी बनकर तैयार है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारी ये परफेक्ट कांजी जो है वो बनकर तैयार है। थोड़ी सी हम इसमें और डाल देते हैं, ये देखिए, और बिल्कुल फूले फूले सॉफ्ट ये हमारे भल्ले हैं, जो इसमें जो इसका पानी है वो पी लेंगे और टेस्टी हो जाएंगे थोड़ी देर रखने के बाद। ये देखिए 3 से 4 दिन में ये कांजी अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो इस होली पर जरूर बनाइए ये यम्मी सी लगने वाली कांजी, बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।